जाने खबर पूरे झारखंड और देश विदेश से। पहला खबर है रांची से। पलामू में महिला मुखिया को पुलिस ने भेजा जेल। मनरेगा में 30 लाख के गबन का है आरोप। हुसैनाबाद थाना पुलिस ने मनरेगा योजना में फर्जी निकासी मामले में हुसैनाबाद प्रखंड के पथरा पंचायत की मुखिया ललिता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि मुखिया समेत 13 लोगों के खिलाफ मनरेगा योजना में फर्जी निकासी को लेकर हुसैनाबाद थाना में मामला दर्ज था। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। खबर है धनबाद से। अब मोबाइल से निकलेगा मतदाता पहचान पर, मतदाताओं को नहीं काटना पड़ेगा दफ्तरों का चक्कर। भारत निर्वाचन आयोग ने एक खास पहल शुरू की है। आयोग की तरफ से राष्ट्र मतदाता दिवस के मौके पर 25 जनवरी 2021 को ई पैक लॉन्च किया जा रहा है। इसके तहत इस बार जुड़े नए मतदाता जिनका मोबाइल नंबर मतदाता सूची से लिंक है वे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ई पिक डाउनलोड कर सकते हैं। यह वोटर आईडी डिजिटल होगा। शेष सभी मतदाता 1 फरवरी 2021 से अपने रजिस्टर्ड मोबाइल पर ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वे NBFBIN अथवा राष्ट्र मतदाता सेवा पोर्टल पर वोटर आईडी डाउनलोड कर सकते हैं। खबर है रांची से। वोटर डे पर रांची समेत झारखंड के कई डीसी व अन्य पदाधिकारी होंगे सम्मानित। चुनाव के दौरान किए थे बेहतर कार्य। 25 जनवरी यानी राष्ट्र मतदाता दिवस के अवसर पर झारखंड के कई डीसी समेत अन्य पदाधिकारी सम्मानित होंगे। अपने अपने क्षेत्र में वोटर के बीच जागरूकता फैलाने और निर्वाचन कार्य में अहम योगदान के लिए सम्मानित किए जाएंगे। सभी सोमवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मानित होंगे। गाड़ी चलाने वाले हो जाएं सावधान, नाबालिग को गाड़ी दी तो अभिभावक को हो सकती है जेल। जी हां, आपने ये खबर सही सुना है। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण कुमार प्रकाश ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को वाहन चलाने के लिए नहीं दें। अगर वे वाहन चलाते हुए पकड़े जाते हैं तो अभिभावक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के रूप में 25,000 रुपये के जुर्माना या 3 साल का कारावास या अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है। खबर है गुमला से। जिला परिषद गुमला का कारनामा, बिना नोटिस दिए 300 से अधिक ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द। जिला परिषद गुमला ने अपने विभाग से निबंधित 300 से अधिक संवेदकों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया है। इन कॉन्ट्रैक्टों को नई नोटिस मिला है। अचानक रजिस्ट्रेशन रद्द करने की सूचना जारी कर दी गई है। जब इन संवेदकों का रजिस्ट्रेशन वर्ष 2022 तक वैध है, अभी रजिस्ट्रेशन के वैध 2 साल बाकी है। 28 को रांची सहित झारखंड के जाने किन जिलों में बारिश की होगी संभावना, तो आइए जानते हैं खबर थोड़ी मौसम विभाग से। झारखंड में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। रविवार को मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्व अनुमान के मुताबिक 28 व 29 जनवरी को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग सहित कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के मध्य, उत्तर, पश्चिम, दक्षिणी भाग में 28 व 29 जनवरी को बादल छाए रहेंगे, साथ ही मेघ गर्जन के साथ बारिश भी हो सकती है। हालांकि 25 को सुबह में कोहरे की धुंध देखने को मिल सकती है। वहीं 26 व 27 जनवरी को मौसम शुष्क व आसमान साफ रहने की संभावना जताई जा रही है। खबर है धनबाद से। झारखंड के कोयला नगरी धनबाद के रेलवे क्वार्टर में बम मिलने से हड़कंप। रांची में से पहुंचा बम निरोधक दस्ता। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र में पकड़े गए एक अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की निशानदेही पर धनसार थाना क्षेत्र पुराना स्टेशन स्थित एक रेलवे क्वार्टर में छापेमारी कर एक कार्टून में बम बरामद किया गया है। यह छापेमारी शनिवार की देर रात झरिया और धनसारा पुलिस ने की है। बम निरोधक दस्ता रांची से धनबाद पहुंच गई है और डिफ्यूज करने में जुट गई है। बम मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। अवैध राशन लेने वाले अभी भी हो जाए सावधान, क्योंकि झारखंड में 3 लाख से अधिक फर्जी राशन कार्ड रद्द। 85,000 से अधिक कार्ड से उपभोक्ता नहीं कर रहे थे राशन का उठाव। झारखंड में 3,31,942 फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए हैं। इसमें से 2,46,790 राशन कार्ड डुप्लीकेट्स के आधार पर रद्द किए गए हैं, यानी एक व्यक्ति का आधार नंबर व नाम दो दो राशन कार्ड पाए गए हैं। खाद्य सामग्री वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अनुसार 85,152 ऐसे राशन कार्ड भी इस क्रम में निरस्त कर दिए गए हैं जिनसे राशन का उठाव नहीं किया जा रहा था। इस तरफ पिछले 5 महीने में 67,780 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। खबर है जमशेदपुर से। पारा शिक्षकों ने किया झारखंड सरकार के मंत्रियों का घेराव, जाने क्या रखी है अपनी मांग। कुल्हान प्रमंडल के पारा शिक्षकों की जिला समिति के नेतृत्व में कई मंत्रियों का घेराव किया है। पूर्व सिंहभूम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सरायकला में मंत्री
चंपई सोरेन चाईबासा में मंत्री झोपा मांझी का घेराव किया है। यह घेराव एकत्रित पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर सभी मंत्रियों को पारा शिक्षकों के स्थायीकरण एवं वेतन मान की नियमावली लागू करने की मांग की गई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं एवं खेलों से। दिल्ली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे हिरासत में लिए गए 6 लोगों को देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। नई दिल्ली जिले के खान मार्केट मेट्रो स्टेशन के बाहर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। इसकी सूचना के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। सूचना मिलते ही पुलिस की PCR मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी व दूसरी जांच एजेंसियां भी मौके पर पहुंच गई। रविवार की दरमियान रात में यह नारे लगाए जाने के बात कही जा रही है। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही कैपिटल हिल के सामने हजारों महजबियों ने पढ़ी जुम्मे की नमाज, फोटो हुआ वायरल। अमेरिका में जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद संभालते ही पहले 17 एग्जीक्यूटिव आदेश पर हस्ताक्षर किए। इनमें से कई पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किए गए फैसलों को पलटने से संबंधित थे। उनमें सबसे ज्यादा मुस्लिम ट्रेवल बैन को खत्म करना वायरल हुआ है। इसके तहत कुछ खास देश के नागरिकों को अमेरिका यात्रा की अनुमति नहीं थी। इस बीच सोशल मीडिया पर कैपिटल हिल के सामने जुमे की नमाज पढ़ते हजारों मुस्लिमों की तस्वीर वायरल हो गई है। 69 साल की महिला सेक्स कर सकती है लेकिन शादी नहीं, जज ने सुनाया फैसला, लेकिन क्यों? डेमेंशिया से पीड़ित 69 वर्षीय महिला को केयर होम निवासी युवक के साथ सेक्स करने की अनुमति कोर्ट ने दे दी है। फैसला सुनाते हुए जज ने यह भी कहा कि महिला युवक के साथ सेक्स कर सकती है लेकिन उससे शादी नहीं कर सकती। डेमेंशिया बुजुर्ग में बेहद आम बात है, जिसमें बला भूलना, याददाश्त कमजोर होना, सोचने समझने की क्षमता कम होना जैसे लक्षण नजर आते हैं। दरअसल बुजुर्ग महिला ने युवक के साथ यौन संबंध बनाने की इच्छा जताई थी, जिसके बाद काउंसिलिंग सोशल सर्विसेज ने इस मामले में न्यायालय के दखल की मांग उठाई। शिवसेना के संजय राउत ने कहा, बाला साहब होते तो सरकार के कान मरोड़कर सीधे रास्ते पर ले आते। देश में आज जिस तरह का माहौल है उसमें बाला साहब की सख्त जरूरत थी, ये कहना है शिवसेना सांसद संजय राउत का। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे की जयंती के दिन बाद राउत का यह बयान सामने आया है। उन्होंने पार्टी के मुखपत्र सामना में अपने लेख में कहा था कि किसानों को प्रदर्शन करते 60 दिन हो चुके हैं और बातचीत अभी तक बेनतीजा रहा। अब आधार कार्ड की तरह फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे वोटर आईडी कार्ड। भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी यानी आज से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत करने जा रहा है। इस ऐप की मदद से अब आधार कार्ड की तरह वोटर आईडी कार्ड भी ऑनलाइन जनरेट किए जा सकेंगे। देश में समुद्र के नीचे चलेगी बुलेट ट्रेन, जाने कहां से कहां तक होगा सफर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच दौड़ेगी। इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह समुद्र के नीचे से भी गुजरेंगी। इस प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 7 भारतीय कंपनियों ने प्री बिडिंग स्टेज में महत्वाकांक्षी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए समुद्र के नीचे सुरंग के निर्माण में रुचि दिखाई है। अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी दी। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर, सामान की होम डिलीवरी करेगा रेलवे। भले ही कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने काफी ट्रेन को बंद कर दिया हो, इसके बावजूद अब हजारों लोग ट्रेन के जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ट्रेन से आपका सफर तो आराम से कट जाता है, लेकिन स्टेशन तक सामान लाने ले जाने का जो तनाव है वह यात्रियों को काफी परेशान करता है। ऐसे यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदल दिया बजट का पूरा खेल। जानिए 1947 से लेकर अब तक का क्या था और क्या हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऐतिहासिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उसके व्यापक दृष्टिकोण का असर आम बजट पर भी दिखाई देता है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बार बजट की प्रक्रिया में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब यूनियन बजट को मोबाइल ऐप पर देखा जा सकेगा। शनिवार को वित्त मंत्री ने हलवा सेरेमनी के साथ यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार बजट कागज पर प्रिंट नहीं होगा, यानी इस बार पेपरलेस बजट पेश होगा। कल राष्ट्रीय बालिका दिवस था। बालिका दिवस पर पीएम मोदी और कई दिग्गजों ने बेटियों को किया सलाम।
भारत में हर साल 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस की शुरुआत 2008 में महिला और बाल विकास मंत्रालय की तरफ से की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के साथ होने वाले भेदभाव के प्रति लोगों का जागरूक करना और समान अधिकार दिलाना। 2008 से राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश में मनाया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बेटियों को किया सलाम। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने बेटियों को सलाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर बेटियों को सलाम किया। उन्होंने कहा कि तमाम क्षेत्रों में बेहतरीन काम कर रही देश की बेटियों को नमन। उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार बेटियों को अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज देने के लिए कटिबद्ध है। 118 करोड़ की अवैध संपत्ति, 4.5 केजी सोना मिला। ईसाई प्रचारक पॉल दिनाकरन के 25 ठिकानों पर पड़ा था छापा। आयकर विभाग ने ईसाई महजब के प्रचारक पॉल दिनाकरन के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जिसके बाद उसकी 118 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। तमिलनाडु के ईसाई प्रचारक और उसकी कई संस्थाओं के खिलाफ बड़ी रकम की धोखाधड़ी और अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने और कर चोरी कर कई आरोप है। विभाग ने उसके 25 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद यह खुलासा हुआ है। एलएसी पर भयानक मुसीबत, चीन ने फिर की धोखेबाजी, भारी संख्या में दुश्मन सेना। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी तनाव बरकरार है। चीन की तरफ से सीमा समझौते का उल्लंघन बार बार किया जा रहा है। अब चीन ने सितंबर में भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी है और बीते कुछ महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव वाले क्षेत्रों पर चीन ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। जबकि 4 महीने पहले सितंबर में चीन ने खुद ही प्रस्ताव किया था कि दोनों पक्षों के तनाव कम करने के लिए संघर्ष वाले क्षेत्र और सैनिकों को नहीं भेजना चाहिए। इस तरह पैसे करेंगे बुकिंग तो फ्री में मिलेगा गैस सिलेंडर, तुरंत बच जाएंगे आपके 700 रुपये। आज का जमाना डिजिटल पेमेंट का है। कई ऐसे ऐप्स आ चुके हैं जो अपने यूजर्स को काफी आसानी से पेमेंट करने में मदद करते हैं। साथ ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये ऐप्स कई तरह के ऑफर्स और कैशबैक भी देते रहते हैं। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सभी की कोशिश होती है कि वे कुछ ऐसे ऑफर्स लाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी ऐप्स का यूज करें। अब पेटीएम ने अपने यूजर्स को मुफ्त गैस सिलेंडर बुक करने का ऑफर दिया है। अगर आप सिलेंडर की बुकिंग पेटीएम से करेंगे तो 692 रुपये का सिलेंडर आपको फ्री में मिलेगा। खबर उत्तर प्रदेश से, योगी सरकार अब बच्चों को आईएएस, आईपीएस और पीसीएस की निःशुल्क कराएंगे कोचिंग। अगर आप सिविल सेवा यानी एनडीए जैसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके बड़े काम की है। अब आपको न तो निजी कोचिंग संस्थानों की भारी भरकम फीस भरने की जरूरत है, न ही अपना घर छोड़कर दूसरे शहर जाने की मजबूरी। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार एक ऐसी योजना शुरू करने जा रही है जिसमें आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अधिकारी सीधे आपको कोचिंग देंगे, वह भी पूरी तरह निशुल्क। इस नई योजना का नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसकी पूरी कार्य योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधी निगरानी में तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश दिवस के विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री इस योजना घोषणा करते हुए बताया कि बसंत पंचमी से इसकी कक्षाएं शुरू करने की तैयारी है। खबर खेल जगत से, दादी ने पैदा होने से पहले ही कर दिया था धोनी के बेटे का नामकरण, जानिए क्या होगा जीवा के भाई का नाम। हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का एक बेटी के पेरेंट्स बने हैं। मीडिया में इस प्रेगनेंसी और डिलीवरी की काफी चर्चा हुई। वैसे जब भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पिता बनने वाले थे तब उनकी ही इतनी ही चर्चा थी। अब धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है लेकिन उनके चाहने वाले अभी भी उन्हें वैसे ही प्यार करते हैं। तभी तो उनके एक बुजुर्ग फैन ने उनके बेटे का नामकरण कर दिया है। इस फैन ने धोनी से मिलते ही उनके बेटे का नामकरण किया था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज का आगाज करने से पहले चेन्नई में बनेगी विराट कोहली की टीम इंडिया। भारत और इंग्लैंड के बीच अगले महीने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जानी है। शुरुआती 2 मैच चेन्नई और आखिरी 2 टेस्ट मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। सीरीज के पहले टेस्ट मैच से पहले चेन्नई में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया बनेगी। दरअसल इंग्लैंड की चुनौती का सामना करने वाली टीम इंडिया 27 जनवरी को चेन्नई में इकट्ठा होगी। पहला टेस्ट मैच 5 फरवरी से एम चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ऐसी खबरें आ रही है कि खिलाड़ी
बैचों में विभिन्न शहरों में चेन्नई पहुंचेंगे और 27 जनवरी को बायो बबल में प्रवेश करेंगे। वह एक सप्ताह लंबे क्वारंटाइन में जाएंगे और इस दौरान भारतीय टीम मैनेजमेंट सीरीज को लेकर रणनीति बनाएगा। धन्यवाद। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।